फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने एक प्रोग्राम लिया है, व्हाइल लूप का यूज़ करके हम सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालेंगे कि हम नेचुरल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा फाइल लिया है और प्रोग्राम लिया है व्हाइल लूप का। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ पे हेडर फाइल को डिक्लेयर कर दिया है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिर इंटीजर टाइप का मेन हमने डिक्लेयर कर दिया है। फिर यहाँ से फ्रेंड मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक है सम और एक है आई। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फ्रेंड्स, वेरिएबल तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन समझने के लिए हमने सम और आई ले लिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। सम के अंदर हमने जीरो रख दिया और आई को हमने वन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर करना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर करने के लिए हमें एडिशन करना पड़ेगा, यानी सम करना पड़ेगा। और हमने व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो व्हाइल लूप के अंदर जो काउंटिंग के लिए जो हम लूप चलाएंगे उसके लिए हमने आई को डिक्लेयर कर दिया है। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्हाइल लूप हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड, जैसे कि हमने इसमें अभी ज़्यादा ना लेते हुए सम ऑफ नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ 10 तक इसमें लिमिट लिया है, ताकि हम सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर को ऐड करके आपको शो कर सकें वो कैसे ऐड होता है। फ्रेंड्स, अगर आप जैसे अगर ये आप सीख लेते हो, तो उसके बाद आप 100 तक ऐड करो, 1000 ऐड करो, करोड़ ऐड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइल लूप हमने लगाया है। व्हाइल लूप के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है। कंडीशन हमने क्या लगाया है कि आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो आई है लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि आई तो लेस है, और जब तक ये कंडीशन है, जब तक आई 10 ना हो जाए तब तक ये कंडीशन चलनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स हमने लूप पढ़ा था, लूप के अंदर हमने जाना था, लूप क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, रिपीट करता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, यानी जब तक आई 10 ना हो जाए तब तक क्या करेगा, ये लूप चलेगा। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हमने ब्लॉक लगा दिया है, ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है। फ्रेंड, जब तक ये स्टेटमेंट चलेगा, जब तक हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो, ट्रू ना हो जाए, यानी कि आई जब तक 10 ना हो जाए तब तक ये स्टेटमेंट आपका चलेगा। फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सम लिखा है, सम इक्वल टू करके हमने सम प्लस आई कर दिया है, यानी कि जो सम की वैल्यू आप जानते हो, हमने ऊपर क्या डिक्लेयर किया था, जीरो, यानी सम क्या है, जीरो है, और आई क्या है, वन है। आई कितना है, वन, यानी कि आई और सम, यानी कि सम जीरो आई वन, यानी जीरो वन मिल के कितना हो जाएगा, वन, यानी वन। अब ये सम क्या हो गया, वन हो गया, यानी अब सम की वैल्यू जीरो ना होके क्या हो गई, वन हो गई। और फिर जैसे कि अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, यानी अब आई वन से हो गया टू हो गया, यानी अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, टू। अब क्या होगा, वापस इसको इस वाले ये वाली जो आई है वापस एक स्टेप ऊपर चली जाएगी, यानी जब तक आई एक ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आई 10 ना हो जाए, यानी अब आई हो गया टू, यानी कि अब सम कितना है, वन। अब ये हो गया टू और ये सम हो गया वन, टू और वन मिलके कितने हो गए फ्रेंड्स, थ्री, यानी अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री हो गई। अब फ्रेंड्स ये सम तो कितना हो गया, थ्री हो गया। अब फ्रेंड्स वापस एक नीचे आएगा आई, आई जब नीचे वापस आता है तो आई की वैल्यू अब टू से कितनी हो जाएगी, थ्री, यानी आई एक और इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू हो गई कितनी, थ्री। अब ये वापस ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, अब आई हो गया थ्री और ये सम कितना है पहले से, थ्री है, यानी थ्री प्लस थ्री होके ये हो गया सम, अब सिक्स हो गया, यानी अब सम की वैल्यू सिक्स हो गई। वापस इंक्रीमेंट होगा आई, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, फोर फ्रेंड्स, अब फोर हो गई, अब वापस यहाँ पे गया आई, आई वैल्यू होगी फोर और सम की वैल्यू कितनी है, सिक्स। छः और चार मिलकर कितने हो जाएंगे, दस, यानी अब सम की वैल्यू हो गई दस। अब ऐसे ही वापस आई इंक्रीमेंट होगा फ्रेंड्स, ऐसा ही चक्कर चलता रहेगा, तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा जब तक आई 10 ना हो जाए, और ऐसे ऐड होते होते जब आई 10 तक हो जाएगा और दोनों के ऐड होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 55, यानी सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 55 होते हैं। यहाँ पे सर फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए पहले ही कमेंट डाल के लिख दिया हूँ, ताकि क्योंकि ऐसे ऐड होते होते अगर 10 तक निकालते हैं तो 55 हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या कर दिया, लूप से बाहर आके हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, सम को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमें सम चाहिए सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर का। फ्रेंड ऐसे फिर हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न जीरो कर दिया, क्योंकि हमने जो मेन फंक्शन लिया था इंटीजर टाइप का लिया था। इंटीजर टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, हमें इसके अंदर जीरो रिटर्न वैल्यू करनी पड़ती है।
फ्रेंड्स चलो कंपाइल करके चेक करते हैं इस प्रोग्राम को। फ्रेंड्स जैसे कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर जीरो और वार्निंग जीरो दिखा है। चलो अब इसको रन करा के चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हो द सम इज 55, यानी तो 10 नेचुरल नंबर का जो सम है क्या है 55 आया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप चाहो तो कितना भी करोड़ तक निकाल सकते हो, लाख तक निकाल सकते हो, जितना आप चाहो उतना आप एक सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो। ऐसे ही लूप चल चल के क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है और ऐड होता रहता है। फ्रेंड्स ये तो था हमारा प्रोग्राम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।